सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से घर बैठे अपने गैस की जो सब्सिडी है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि सब्सिडी आपको मिल भी रही है या नहीं मिल रही। दोस्तों कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमें गैस सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, कैसे पता करें या इसका हमें पता नहीं चलता, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप घर बैठे अपने फ़ोन पर ही ये पता कर सकते हैं कि आपको गैस की सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो कितना रुपये आपको सब्सिडी का मिल रहा है। तो जानने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें ठीक ठीक समझ में आ जाएं। दोस्तों तो सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। जैसे आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है myLPG.in, ठीक है। तो myLPG.in को लिख के आपको यहाँ सर्च करेंगे तो जैसे ही या पहला आपको जो लिंक मिलेगा myLPG.in का, तो इस पे आप टच कर दीजिए। अब देखिए जैसे आप इसके ऊपर टच करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, मतलब ये जो इनकी गवर्नमेंट की जो साइट है, वेबसाइट, ये ओपन हो जाएगी। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी साइट्स होती हैं और आप इसमें जो भी सर्च करेंगे तो उसमें ये थोड़ा टाइम लेती हैं, क्योंकि ये आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, हर तरह की चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आप कुछ चीज़ इसके अंदर सर्च करें तो इसके अंदर धैर्य बनाए रखें, इसको बार बार बैक ना करें या इसको छेड़े ना, ताकि वरना ये आप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, तो अगर ऊपर ये बॉक्स हैं, अगर आपको अपना LPG ID पता है तो आप इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो ये आपको 3 गैस सिलेंडर यहाँ बने हुए नज़र आ रहे हैं, भारत गैस, HP गैस और इंडेन। तो अगर इनमें से आपका कोई भी कंपनी है जो आपके घर में सिलेंडर आता है तो आपको उसी सिलेंडर के ऊपर टच कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडेन पे टच कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इंडेन का सिलेंडर आता है। अब देखिए किस तरह का पेज खुलेगा, आपके यहाँ जो भी सिलेंडर आता है उसी पे आपको टच करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा तो आपको ऊपर ये ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये ऑप्शन है ब्लू कलर में, जैसे आप ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर टच करेंगे तो एक इस तरह का पेज खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम पता है या कि जो भी आपको गैस जो सर्विस देते हैं अगर आपको उनका नाम पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे स्टेट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले नंबर पे अपनी स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी स्टेट जो जिसमें भी आप रहते हैं। तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पर ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, तो आप डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर साउथ वेस्ट अपनी कर लेता हूँ। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब देखिए एक चक्री घूम रही है तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटरों को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक अभी लिस्ट आएगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो जब भी आप इसे सर्च करें। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूटरों को सर्च कर रहा है और मैं आपको फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसमें आगे क्या करना है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इसका वो यूज़ करते हैं, LPG गैस कनेक्शन उनके पास है और कई हजारों डिस्ट्रीब्यूटर भारत में। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर एक ही है तो उसको पूरे हिंदुस्तान में से एक को सर्च करके ये हमें बताता है कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए आ गया है, अब मैं यहाँ पर जैसे टच करूँगा तो यहाँ पर मेरे आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आ गए हैं। तो मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर जो भी गैस सर्विस है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको किसी भी अगर साल की फाइनेंशियल ईयर की अगर आपको देखनी है तो आप यहां से उसको सर्च कर सकते हैं टच करके, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18, मैं 17-18 का सर्च कर रहा हूं, आप इससे पहले का भी सर्च कर सकते हैं। और कंज्यूमर टाइम डोमेस्टिक ही रखना है। उसके बाद ये आपको यहां कैप्चा कोड दिख रहा है तो ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर लिख देना है, छोटे अक्षर हैं तो छोटे और बड़े हैं तो बड़े, ये बिल्कुल आपको ध्यान से लिखना है। दोस्तों ये एक तरह का वेरिफिकेशन कोड ही आप इसको समझते हैं। अब देखिए छोटे अक्षरों में है DCB, तो बिल्कुल एज इट इज़ हमें ऐसा ही लिखना है जो हमें स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। फिर है 3 और फिर है 8, और उसके बाद यहाँ प्रोसीड के ऊपर हमें टच कर देना है।
तो देखिए अब यहाँ पर जो है थोड़ा ये टाइम लेगा। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज खुलेगा। अब उसमें आपको ये जो बीच में आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो कंज्यूमर कंजप्शन कैश ट्रांसफर डिटेल है, ये जो ऑप्शन है हमें इसी के ऊपर टच करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीच वाला एक ऑप्शन है, इस पर हमें टच करना है। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो एक दूसरा एक इंटरफेस खुलेगा, देखिए इस तरह का। तो यहाँ पर भी हमें कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है, ठीक ठीक जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देते हैं। अगर छोटे अक्षरों में है तो आपको छोटे अक्षर ही लिखने हैं, और अगर बड़े अक्षरों में है तो आपको यहाँ पर बड़े अक्षर ही लिखने हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देख कर जो ये कोड है ये डालिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आप टच कर दीजिए। तो जैसे आप प्रोसीड के ऊपर टच करेंगे तो जो भी आपकी एजेंसी में जितने भी लोगों की लिस्ट है वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपके एजेंसी में। अब आपको यहाँ पर अपना नाम कैसे सर्च करना है, तो देखिए ऊपर यहाँ पर अल्फाबेट ऑर्डर लिखे पड़े हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ए बी सी डी ई एफ जो भी है यहाँ पर। तो आप चाहें तो अपने नाम के पहले अक्षर पर टच करके भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा ये ऊपर LPG, यहाँ पर LPG ID आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कंज्यूमर ID कंज्यूमर नंबर लिखकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना यहाँ पर नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नाम के लिखकर सर्च करके ही बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के आपको सर्च करके दिखाता हूँ उसी। तो आप लेकिन अपना यहाँ पर ठीक ठीक नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद गो क्लिक कर दीजिएगा या सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपके यहाँ पर डिटेल होगी तो देखिए वो सारी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कई तरह के इसमें नाम आ चुके हैं, पहले जो मैंने नाम इसमें सेलेक्ट किया था उसके अंदर। तो इसमें अब हमें चेक कैसे करना है, तो ये जो जो नाम है उसके आगे आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड कलर के अक्षरों में ही लिखा हुआ है। तो आपको इसी के ऊपर टच करना है, जो भी आपका नाम है तो उसके ऊपर आप यहाँ पर टच कर दीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा ये पहले नंबर पर है, तो मैं इसको पहले नंबर वाले ऑप्शन यहाँ पर रेड कलर में जो है यहाँ पर मैं इसको टच कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर टच करूँगा तो एक कंप्यूटर जनरेटेड एक मैसेज है वो यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ जाएगा, देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, टच होने पर ही ये इधर उधर होने लग जाता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऑर्डर नंबर दिखेगा, फिर ऑर्डर डेट कि मैंने कब कब सिलेंडर ऑर्डर किए हैं, उसके बाद कैश मेमो, फिर जो भी कैश मेमो की डेट, या कैश मेमो वो होता है जो सिलेंडर के साथ हमें रिसिप्ट दी जाती है, उसके बाद डिलीवरी डेट कि हमें कब डिलीवर हुआ था, कितने सिलेंडर डिलीवर हुए थे। अब यहाँ देखिए आपको सब्सिडी अमाउंट दिख रहा होगा कि इतने इतने रुपए मुझे सब्सिडी के पैसे मुझे मिले हैं, और किस तारीख को वो मेरे मुझे मिले हैं, तो वो यहाँ पर तारीख है। और उसके बाद CTC स्टेटस है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही सेंसिटिव सा ये होता है, इस पर हल्की सी भी अगर टच हो जाता है तो उसी में ही ये वापस चला जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्सिडी अमाउंट आपको मैंने बताया दिया CTC, और यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है ये अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट नंबर यहाँ मैच कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक अकाउंट है जो भी, उसके यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट ही दी जाते हैं। तो ये आप अपने 4 डिजिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा यहाँ पर आया है। और उसके बाद आपका जो बैंक की जो ब्रांच है, जो भी आपका बैंक है, जैसे कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको दिखाए, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, और आपकी जो भी बैंक की होगा वहाँ पर यहाँ आपका बैंक का नाम लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि आप किस तरह से घर बैठे अपने गैस सब्सिडी की डिटेल आप पा सकते हैं, कि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो कितने पैसे मिल रहे हैं और किस बैंक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ये लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर ज़रूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।